आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज यहाँ एमटीवी बीट्स पर हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो हमने आज तक कभी नहीं किया है। गली गली में पता चल गया है कि हम हैं आज के गेस्ट एंड होस्ट ओनली ऑन एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें। अब जब मिले हो तुम हमको, साथ मिलके देंगे एंटरटेनमेंट का डोज सबसे बेस्ट, वादा है हमारा। अच्छा, ये है एमटीवी बीट्स के एकदम यूनिक शो तेरी मेरी बातें विद नेहू प्रीत। तो चलो दो गल्ला करें, कुछ तेरी कुछ हमारी, ओनली ऑन एमटीवी बीट्स। आजो तेरी मेरी बातें के पहले सेगमेंट का नाम है जानकारी। इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिससे आपको हमारे बारे में और हमारे सॉन्ग लाला ला के बारे में जानकारी मिलेगी। Isn't it amazing? आप पूछो। ओके, आप पूछो। चलो आप पूछो। बेबी प्लीज यहाँ नहीं, लेडीज फर्स्ट। बोला ना आप पूछो। अच्छा, एक चीज एक दूसरे की जो आपको प्यारी लगती है। एक्चुअली रोहू मेरी हर बात मान जाते हैं, मतलब इवन इफ वो उनके कम्फर्ट जोन के बाहर है वो भी मान जाते हैं, सो दैट इज वेरी प्यारी बात। और मुझे पता क्या लगता है, ये मेरे से हर एक बात मनवा लेती है। मेरी भी तो कोई प्यारी कर लो बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं तारीफ नहीं, मैं तारीफ कर, मेरे को नेहू सारी की तारीफ होती है। अब नहीं सुननी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ में अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते बताओ। सीरियस होके दस्सा? हाँ, अगर लाइफ में मैं सिंगर ना होता तो फिर मैं कुछ होता, फिर मैं शायद इस दुनिया में ना होता। लाला ला सॉन्ग के बारे में जानकारी दीजिए। गाइस, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ ये बात बताने के लिए कि लाला ला गाना लिखा और कंपोज जो किया है वो I'm just kidding. रोहू ने बनाया है ये गाना और आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। हम दोनों ने बनाया। ये बहुत मॉडेस्ट है बट रोहू ने बनाया है। और इसका क्या मतलब होता है? मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। अच्छा कुछ बहुत अच्छा होता है। वो हूँ यार, वो हो। आई थिंक बेबी आपने कमाल का काम किया और अब जब लोग सुनने वाले हैं तो दे आर गोना बी रियली रियली हैप्पी एंड डांसिंग। बहुत ही कमाल कर, आई एम सो प्राउड ऑफ, लव यू। झगड़ा होने पर कौन सॉरी पहले बोलता है? कॉमन सेंस ये बोल सकती है, नहीं बोलूंगी। बिल्कुल सर, दोनों के निकनेम्स क्या? अच्छा, ये मेरी बारी थी। अच्छा सॉरी, दोनों के निकनेम्स क्या हैं बताओ। किसी को भी नहीं पता कि आपको और मैं आपको रोहू बुलाती हूँ और आप मुझे नेहू बुलाते हो। लाला ला सॉन्ग शूट का सबसे यादगार मोमेंट? हाय हाय हाय, मेरे तो सारे यादगार हैं। व्हेन बोथ ऑफ अस शूट टुगेदर हमारी तो पार्टी होती है ना बेबी। एक चीज जो आप एक दूसरे की लाइक हेट करते हो, लाइक या हेट करते हो? हेट ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़े इरिटेटिंग है, बट बहुत ज्यादा प्यारे हैं। बेबी कभी कभी थोड़ा हो जाता है, बट आई थिंक ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ। ये मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ। ये इंग्लिश वाली लाइन बिल्कुल कॉपी पेस्ट में। हाँ जी, अब मेरी तारीफ का मौका आया है बेबी। तारीफ पुल बांधा महाराज, पुल बांधो। लाइक तो मैं इनको बहुत ज्यादा करता हूँ और हेट में बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये अगर कभी मेरे पे थोड़ा सा मतलब हो जाता है तो वो मेरे अच्छे के लिए होता है, मुझे पता है। पार्टनर को इम्प्रेस करने की टिप्स दीजिए। ओहो, इनसे पूछो भैया, इनसे पूछो। मुझे लगता था आई एम द मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन द वर्ल्ड, बट हेलो, मिलिए रोहन प्रीत सिंह से। आई थिंक सच में रोहू, सबको आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मतलब आप कमाल हो यार। आगे चलो। मुंबई और पंजाब की कोई एक स्पेशल चीज बताइए। ओह वाओ, मुंबई डेफिनेटली पानीपुरी, पानीपुरी सेवपुरी एंड एवरीथिंग। मुंबई की पानीपुरी माइंड ब्लोइंग होती है। पंजाब का आई फील, पंजाब का सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल है। नॉर्थ इंडियन फूड, मी बीइंग अ नॉर्थ इंडियन फूड लवर, मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है। बट एक्चुअली फूड तो मतलब मुंबई में भी अच्छा, मुंबई में भी बहुत अच्छा मिलता है ऑफकोर्स, बट स्पेशली पानीपुरी। दिस इज, यहीं से करती हूँ। दिस ओके, वन टू थ्री चक्के, वन टू हाँ चल ओके। दिस इज एमटीवी बीट तेरी मेरी बातें। अगले सेगमेंट का नाम है खेल खेल में, और इस खेल का नाम है बीट द बॉटल। इस गेम में हमें करना है एक दूसरे की बॉटल को बीट करके खुद की बॉटल को फ्लिप फ्लिप, है ना? सुपर इंटरेस्टिंग। ओह यस, फॉर श्योर। चलो लेट्स स्टार्ट खेल खेल में। जीतेगा कौन? थैंक यू। ठीक है, मैं मान समझ गया, मैं जीतूंगा ना, देखते हैं। चलो आजो, कर लेने। करना कैसे है? ऐसे डांडिया खेलना है। तेरी 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 मेरी बातें। कौन जीतेगा? मैंने इतनी बड़ी बॉटल से किया नहीं। ओ हेलो, अलग अलग करते हैं।
मतलब ऐसे ऐसे यार मैं आपका मजा नहीं ले पाऊंगी। जितकी एक बार आए हाय 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 गेम तो ही बाहर हो गया। मैं जीत गया मेरे आ खड़ी जट दी बोतल एक सेकंड तू चक 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 हो गया होगा। ओ रुकी नहीं थी अभी अभी ना कट हो जाने तो बहुत मारूंगी। यू आर वॉचिंग MTV Beats तेरी मेरी बातें और अब टाइम है फॉर द सेगमेंट आवर फर्स्ट। हम आपको बताएंगे ऐसे करके ऐसे करके नहीं हम आपको बताएंगे कुछ चीजों के फर्स्ट इंसिडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी पहली मीट विद रोहन प्रीत। आए हमारी पहली मीट थी 7th of August 2020. वाह, बेबी आपका फर्स्ट जॉब। अरे नहीं। हाँ जी, ऐसे नहीं करते होते। नहीं करते होते। ये ऑफ कैमरा। अच्छा। बेबी आपने वो किया था ना एक शो जिसमें आप एज वो 2007-8 में मेरा वो फर्स्ट रियलिटी शो था तो वो मेरा फर्स्ट शो था वो क्योंकि जब मैं उसका फर्स्ट रनर अप बना था उस शो का मैं तो तब मुझे प्राइज मिला था। सो क्यूट। डिस्क्राइब योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस फॉर कंसर्ट। मेरा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी मतलब आई मस्ट बी शायद 4 साल की ही होंगी बट ऑफ कोर्स जो भी स्टेज होगा वो बहुत स्पेशल होगा। या आप बताओ। हमारे घर में वो मना रहे थे लोहड़ी मना रहे थे और सभी ने मतलब ऐसे घेरा बना लिया और मेरे को बीच में खड़ा कर दिया कहते गाओ बेटा। वही था योर फर्स्ट वैक्सीनेशन टुगेदर। वैक्सीनेशन क्या है ये वेकेशन कौन सी थी। वाह दुबई शुक्र है रब्बा। This is MTV Beats, तेरी मेरी बातें और अब टाइम है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का जिसका नाम है पिक स्टोरी। इस सेगमेंट में हम दोनों ही अपने फोन में से एक पिक्चर दिखाएंगे और फिर उस पिक्चर के पीछे की स्टोरी बताएंगे। चलो पहले मैं दिखाती हूँ। ये पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है बहुत ही ज्यादा। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि हम लाला सॉन्ग का शूट कर रहे थे। रोहू ऑलरेडी बैठे हुए थे मॉनिटर के एरिया में और मैं अपना शॉट देख के आई थी एंड देन एकदम से खड़े होने लग गए। रोहू वाज लाइक आओ बैठो बैठो। आई एम लाइक नहीं 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 यू कीप सिटिंग। देन ही वाज लाइक एथे बैठो। तो फिर उन्होंने मुझे गोद में बिठा लिया एंड देन फिर हम लोग ये इसमें बेसिकली हम लोग अपना शॉट देख रहे हैं कि वो कैसा लग रहा है। सो बहुत ही क्यूट है यार। कॉपी पेस्ट मेरा भी यही। अब टाइम है शो के बेस्ट सेगमेंट का स्वीटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। आज हम आपको सेल्फी लेते हैं फिर MTV Beats तेरी मेरी बातें का सबसे प्यारा सेगमेंट। यस Guys, this was Neha Kakkar and Rohan Preet Singh on MTV Beats तेरी मेरी बातें। We hope आप लोगों को हमारे बीच की ये तेरी मेरी क्यूट सी बातें सुनकर मजा आया। हमारे संग लाला को ढेर सारा प्यार दें और मजेदार बातों के लिए देखते रहिए तेरी मेरी बातें only on our favorite music channel MTV Beats। Yay! ब्लड में है बीट।